सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को और हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में कैसे सेव कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप बिल्कुल आसानी से कैसे अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में कैसे सेव कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है तो आज की इस वीडियो का आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आपको अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में सेव करने के लिए आपको सिंपली कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना होता है। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना होगा। तो जब अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाओगे, फिर आपको सनमुचा सा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा होता है ऐप सेटिंग्स। यहाँ पर आपको ऐप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो जब आप ऐप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर लिखा होता है फ़ोन कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर आपको फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो जब आप फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, फिर यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो जब यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा होता है एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो जब यहाँ पर एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपके पास एक और ऐसा पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको वो वाली सिम को सेलेक्ट कर लेना होगा जिस भी सिम में आप अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहले नंबर वाली सिम को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर लिखा हो जियो 4G। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सर मुझे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उन वाले कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना होगा जिन कॉन्टैक्ट्स को आप अपने सिम कार्ड में सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी के सभी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स को ही अपने सिम कार्ड में सेव करना चाहते हो, तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके उस कॉन्टैक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आपको उस कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ 3-4 कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ हमने 5 कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा ओके। तो यहाँ पर आपको ओके के आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर मेरे सिम में मेरे कॉन्टैक्ट्स सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी एक मैसेज भी आया था और यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा था, बस मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया था, यहाँ पर जल्दी जल्दी हो गया था। तो ऐसे में अब आपको सब कुछ क्लियरिटी में बता दिया, समझा दिया कि आप कैसे अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में कैसे सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे अपने फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में कैसे सेव कर सकते हो, और बिल्कुल आसानी से। तो ये अगर आपको पसंद है कि वीडियो इस लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं किया, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मेरे को आसानी से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या भी कोई भी सवाल हो, तो मेरे कमेंट करिएगा, या फिर आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप मेरे को आसानी से फॉलो करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।